हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैकबोन अमित पे स्वागत है। एक बार फिर से हम एक नया वीडियो आप सभी के सामने लेकर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑल करके छोड़े, इससे जितनी भी आने वाली वीडियो रहेंगी आपको सबसे पहले आपके चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं राजघाट, जहाँ पर कई दिनों से भवनों का निर्माण कार्य चल रहा था। तो देख सकते हैं हम आ चुके हैं उस भवन के ऊपर और वह भवन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। आपको जान के काफ़ी खुशी होगी कि यहाँ पर पिछले दिनों कुछ भी नहीं था, यानी कि यहाँ पर कार्यक्रम वगैरह करने के लिए या फिर कपड़े वगैरह बदलने के लिए काफ़ी परेशानी होती थी। जब कोई VIP लोग आते थे तो उनके लिए एक टेंट वगैरह तंबू का व्यवस्था किया जाता था, लेकिन अब आपको बता दें कि यहाँ पर एक भवन का निर्माण हो चुका है जो कि काफ़ी शानदार है। देख सकते हैं काफ़ी कम ही दिनों में यह बनकर तैयार हो चुका है। यह भवन संत रविदास मंदिर के ठीक नीचे है, यानी कि गंगा जी के तट पर, और देख सकते हैं आसपास के यह शानदार नज़ारे, जहाँ पे लगभग हर दिन यहाँ पे श्रद्धालु आते रहते हैं और अपना यहाँ पर आरती वगैरह देखते रहते हैं। आपको बता दें पहले यहाँ पे आरती होती थी, लेकिन वह भी नहीं हो रही है। आने वाले दिनों में यहाँ पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और देव दीपावली को देखते हुए काफ़ी यहाँ पे VIP सुविधा भी होगा। फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर अभी ढलाई का वर्क हुआ है, अभी यानी कि पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है, जो आप सभी के सामने देखने को मिल रहा है। ये जो आप सामने एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी लाइटें लग चुकी हैं। अगर आप आए होंगे तो आपको काफ़ी पता होगा यह सब बात। और यह देख सकते हैं कि भवन के बगल का नज़ारा है, जो कि यहाँ पे कपड़े बनाने यानी कि पहनने जो गंगा जी में स्नान भक्त करेगा, वह इसमें आकर आसानी से कपड़े वगैरह भी आसानी से बदल सकते हैं। ये देख सकते हैं ये सीढ़ियों को तोड़कर और खंभे की ढलाई की गई, यानी कि पिलर खड़ा करके इसको बनाया गया है। दोस्तों, देख सकते हैं इसमें कपड़े भी बदलने की व्यवस्था है। अभी धीरे धीरे सभी भवनों को अच्छी तरीके से बनाया जाएगा और यहाँ टाइल्स, मार्बल और पत्थर लगाए जाएंगे। देख सकते हैं कि आसपास काफ़ी अभी गंदा माहौल है, यानी कि काफ़ी बिखरा हुआ सभी सामान और मिट्टी, और छड़े भी काफ़ी निकली हुई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में काफ़ी सुरक्षित हो जाएगा। और जैसे जैसे फ्रेंड्स इसका कार्य होता रहेगा, हम आपको दिखाते रहेंगे। बस आपका मुझे सहयोग चाहिए, क्योंकि आपका सहयोग ही मेरे लिए सब कुछ है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करते रहें और मेरा वीडियो देखते रहें। देख सकते हैं यहाँ पर कि काफ़ी मिट्टी बिखरी हुई है और काफ़ी पिलरों पे इसे खड़ा किया गया। पहले पिलर वगैरह ढाले गए थे, जो कि अब यहाँ पे धीरे धीरे ढलाई के माध्यम से यहाँ पर सभी कुछ का निर्माण कर लिया गया है और प्लास्टर वगैरह भी हो गए हैं। देख सकते हैं कि जो ये रास्ता है ये बाहर निकलने का है, और कुछ सीढ़ियाँ भवन के अंदर आ चुकी हैं जो कि एक तरह से तोड़ी गई थी। देख सकते हैं काफ़ी बच्चे यहाँ पे खेल कूद कर रहे हैं, जो कि आप सभी के सामने है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम धीरे धीरे चल रहे हैं बाहर और आपको दिखा रहे हैं बाहर के भी नज़ारे। ये रूम देख सकते हैं, यहाँ पर भी VIP लोगों को ठहरने का प्रबंध किया जाएगा आने वाले दिनों में, लेकिन अभी नहीं कुछ हो रहा है, यानी कि अभी भवन बनकर तैयार हुआ है पूरी तरीके से। अंदर कुछ कार्य बाकी हैं जो कुछ ही दिनों में उसे भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। जैसे जैसे कार्य कंप्लीट किए जाएंगे हम आपको दिखाते जाएंगे।
ये देख सकते हैं ये बाहर का एरिया है, यानी कि पीछे का बैकग्राउंड है जो कि गंगा जी के पास का है। यहाँ पे फ्रेंड्स आने वाले दिनों में सीएनजी स्टेशन भी बनाए जाएंगे जो कि खिड़कियाँ घाट पे बनाए जा रहे हैं, और यहाँ पर भी सीएनजी नावें चलेंगी और गंगा आरती भी काफ़ी भव्य होगा, जैसे कि दशाश्वमेध घाट और अस्सी घाट पे आप सभी को देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी काफ़ी वीआईपी लोग आते रहते हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ कई बार आ चुके हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और भी कई तरह के लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो बैठने की व्यवस्था नहीं होती थी दोस्तों, तो यह बनाना काफ़ी ज़रूरी हो गया था, जो कि अब धीरे धीरे जाकर तैयार हो चुका है। और यहाँ पर भी काफ़ी फॉरेनर लोग आते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था होने वाली है कुछ दिनों में। देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ हम चढ़ रहे हैं और आपको मंदिर के पास तक जाके नज़ारा दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कई तरह के एंगल्स भी लग चुके हैं जो कि आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, प्लीज़ आपका सहयोग मुझे चाहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। Pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.